भाई आ जाओ, सिर्फ हाथ दे सकते, हाथ में तेरा हाथ हो। और तो फ्रेंड्स बोलो, और बताओ क्या है इसका ना। अरे लहंगा चली ना देखो, बोले चूड़ियां बोले कांगना। भाई मेरा मतलब ना इसका थोड़ा सीधा से दिखा। दीवाने यार कहता है प्यार अच्छा नहीं तेरी सा जैसे चश्मा लगा के। अरे दौड़ कितना आ रही है। तो फ्रेंड्स ये है प्रिया का। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में कुछ खास और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं पहले बात ये बता दूं, हमने शॉपिंग किया था कुछ शॉर्ट शॉर्ट कपड़े का। हमने आपको बताया भी था कि आप लोग कमेंट करके बताना इसमें प्रिया लुक करे या ना करे, करे या ना करे। तो आप लोगों, बहुत सारे लोगों का जवाब आया हाँ। तो आज मैं अपना मतलब कुछ पुरानी यादें ताज़ा होने वाली है। जब जानू गर्लफ्रेंड थे तब इतने शॉर्ट कपड़े पहनते भाई, जब थे। मैं गर्लफ्रेंड थी ना तो मैं प्रिया को बहुत शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहनता था, लेकिन अब यह है कि थोड़ा ये है ना कि हाँ भाई परिवार के बीच में रहना है, इसीलिए थोड़ा वो करना पड़ता है। थोड़ा गाँव साइड पड़ जाता है हमारा घर, तो वहाँ तो पहनना है नहीं, तो इसलिए हम सारे कपड़े बैग में भर के लेके आए हैं। और आज हम आपको हर कपड़ों में अपना लुक दिखाने वाले हैं, बढ़िया मस्त वाला। और इस हालात में आपको पता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से लुक दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरी गलती ये थी कि मैंने आपको बोला फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि प्रिया पहने ना पहने। इतने सारे लोगों ने कमेंट्स कर दिया कि हाँ भाई प्लीज़ 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 जल्दी से वीडियो लेकर के आओ। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट वीडियो यही आएगी, तो आप लोग हम लोगों फ्रेंड्स बने रहिएगा और पूरा देखिए। भाई देखिए पार्क का नजारा ना कुछ अलग होता है, इसलिए हम पार्क में आए, घर के पास में ही पार्क है, इसलिए मैंने पार्क में आया। देखते इस वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है और कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में बने, फ्रेंड्स आइए देखिए बोरा भर के कैसे अपना पूरा सामान लेके आए हैं। ये बैठ चुकी है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि प्रिया नीचे क्यों बैठी है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एक सिस्टर ने हमें कमेंट से किया था कि रोहन भाई आप ना नीचे पार्क में जाके जमीन पे बैठ करके मेकअप करके दिखाओ, प्रिया दी मेकअप करके दिखाओ। तो फ्रेंड देखिए वहाँ पे बेंच भी लगा हुआ था उस जगह पे, हम चाहते हम बेंच पे भी बैठ सकते, लेकिन मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स लोग जो बोले वो हम ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमें जरूरी मजबूरन करना पड़ा। और बैकग्राउंड इतना प्यारा रखा है और घास है, ये तो बैठने की जगह है ना, तो यहाँ पे बैठने के लिए। तो फ्रेंड्स सारा सामान पहले मैं अपना निकाल के यहाँ रख लेती हूँ, सजा लेती हूँ बढ़िया, फिर आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं आज का कैसा मेकअप होने वाला, कैसा लुक होने वाला हमारा। आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मुझे मेहनत भी करना पड़ता, तो आप लोग प्यार भी दीजिए क्योंकि आप लोग इस टाइम बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती आप लोग, फिर भी फ्रेंड्स हम लोग बहुत खुश है, बहुत सपोर्ट मिल रही है हमें। तो फ्रेंड्स चलते हैं करते हैं स्टार्ट। ये देख लीजिए प्रिया का देसी स्टाइल में देसी जुगाड़ कैसे बैठी है, चुन्नी चांदनी बढ़िया बिछा करके जुगाड़। फ्रेंड देखिए गरीब बंदे का यही मेकअप होता है। ठीक है फ्रेंड्स पहले मैं आपको फिर दिखाऊं मेकअप, आप लोग बोलोगे कि प्रिया दूसरा मेकअप देख लो, मेकअप ज्यादा इनका देख लो, इनका मेकअप कुछ खास नहीं है। और फ्रेंड देखिए हम पार्क में इसलिए आते हैं ना, बहुत सिस्टर कमेंट्स ही करती है कि रोहन भाई आप पार्क में वीडियो बनाओ। हम और जानू दोनों साथ में था मस्त, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो इसके कारण हम यहाँ पे आते हैं ताकि बैकग्राउंड भी चेंज होता है और थोड़ी लुक भी चेंज हो जाती है, मस्त लगता है और फ्रेंड्स अच्छा लगता है आप लोग को पार्क वाली वीडियो भी। हाँ तो इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना ना करें तो फिर क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं तैयार होने के बाद। देखिए मैं रेडी होना हो चुकी हूँ स्टार्ट। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये गोल्ड का मंगलसूत्र। तो फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट क्लिप में बताऊंगा कि ये जो गोल्ड का है मैंने प्रिया कितने का दिलाया है। आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, जिसको जिसको इसका प्राइस जानना है ना आपको मैं दिखा दूँ, जिसको प्राइस जानना है वही तभी भी पहनना जरूरी है क्योंकि बाहर हूँ ना पेड़ के नीचे, इसके लिए ज्यादा मतलब ये पहनना जरूरी है। तो फ्रेंड बताइए आपको हमारा मंगलसूत्र कैसा लगा। अब फाइनली मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई हूँ, तो हमारी जो क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी सिस्टर है ना वो देखते रहे कि मैं कैसे रेडी होती हूँ। और हाँ मेकअप जरा देख लीजिए कैसे है, देसी जुगाड़ है फ्रेंड, देसी जुगाड़। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ आईलाइनर अपने आँखों पे, सबसे पहले नहीं पहले आई शैडो लगाऊंगी तब आईलाइनर लगाऊंगी, तो देखते रहिए। बस आप लोगों को थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि थोड़ा पुराना होता है फ्रेंड, देखिए आपको ना इस चैनल पर नया चीज़ देखने को इसलिए मिल रहा है, आप पहली बार देखें कोई लड़की पार्क में जाकर के कैसे मेकअप करती है, सब ये सब फ्रेंड पता कि सब हमारे चैनल पर बिल्कुल नया है, एकदम नया फ्रेश। क्योंकि फ्रेंड देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि पार्क में जाकर रेडी होना और सारे लोग देखते थे, लेकिन हमें इस चीज़ का बुरा है क्योंकि फ्रेंड आपको दिखाऊं, देख लीजिए उधर भी हैं बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये है फ्रेंड्स आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमें ना ये सब करने में मजबूर कर देता है कि आप लोग बोलते हो कि प्रिया ऐसे करो ये करो, भाई हमें करना पड़ता है मजबूरन, लेकिन ये फ्रेंड्स हम आप लोग बोलो और हम ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो
फ्रेंड देखिए मैं आई शेडो ब्लू क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लाइट है, दिन है, तो ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा और भी कलर मुझे कुछ भा नहीं रहा है, इसलिए मैं ब्लू ही लगाती हूँ। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट और देखते रहिए मैं कैसे कैसे आज मेकअप बढ़िया डार्क डार्क मस्त वाला करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए फाइनली हमारा आई शेडो लग चुका है, जानू कैसा और जरा देख लो लगा ही क्या है, ये बंदर होता है ना, बंदर बंदर वाला बंदर कैसा लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बताएं लग कैसे रही, देख लो जरा अच्छा तो लग रहा है। अब क्या आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आज का ना ये वीडियो कुछ फनी होने वाला है, फनी टाइप होने वाला है, बस आप लोग बस देखते रहो। इतना महंगा काजल है ना, इतना महंगा ओनली सिर्फ 10 रुपीज का है, और देखिए इसको कितने दिन से मैं करवा चौथ से चला रही हूँ। तो आप लगा लेती हूँ मैं अपने आंखों में काजल थोड़ा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए प्रिया को खराब कर दिया क्या, स्टैंडर्ड है बोल के। मैं खराब तो नहीं क्या भाई। तो फ्रेंड्स आप लोग को हंसी आ रही कि नहीं आ रही, जरा देख लो इनका पूरा, मैं लुक दिखाऊं प्रिया को, जरा देख लो कैसे इनका मेकअप रखने का स्टाइल जुगाड़मेंट, देख लो कैसे रखी है मेकअप, क्या बात है। फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे ज्यादा ना, तो क्या पता इससे अच्छा टाइम आ जाए, लेकिन आप लोग प्यार नहीं दोगे। बस अपना टाइम आएगा और मेरे फ्रेंड्स मेरा टाइम लाएंगे, क्यों फ्रेंड्स ये बात है। तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा हमें सपोर्ट कौन कौन करता है। जो प्यारे कमेंट करते हैं वही सपोर्ट करते हैं, क्यों फ्रेंड्स, बात सही है ना। राइट, लेकिन ये है कि खुले आसमान में बैठ के मेकअप करने में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। फ्रेंड्स आप लोग कभी, मैं पहले वीडियो पिछले वीडियो में भी बोला था कि कोई कपल ऐसे मेकअप करके दिखा दे उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, कोई कपल ऐसे करके दिखा दे और इंस्टाग्राम पे हमें अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें, मैं जरूर डालूंगा उसका वीडियो अपने चैनल पे। फिर मेरे आँखों का जो है मेकअप हो गया है और मैं यहाँ पे एकदम फिल्म वाली स्टाइल में आपको लुक दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जाने एक बैकग्राउंड दिखा दो इधर का। आप फ्रेंड देखिए मूवी से कोई कम नहीं है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वाह। और प्रिया कहाँ बैठी हुई है, वाह प्रिया यहाँ बैठी हुई। मेरा लिपस्टिक खत्म हो गया, कोई बात नहीं सही हुआ। तो मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। नहीं 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 सही बात है। तो मैं वीडियो में लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। ना 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 खत्म हो, देख रहे हो आप लोग, पता मुझे क्या कहते हैं तुम बांटती हो नहीं, इसलिए मैं तुम्हें दिलाऊंगा नहीं। अरे भाई पता है बहुत लिपस्टिक बांटती है, तो इनका लिपस्टिक मेकअप देख लो, अब लेपेगी झाड़ू मार रही, झाड़ू कौन कौन मारता कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड जब प्रिया झाड़ू मारने का तरीका देख लीजिए कैसे झाड़ू मारती है, हाँ झाड़ू मार, झाड़ू। कोई बात नहीं, अब गरीब हो गई हूँ क्योंकि पहले थोड़ा सा अमीर थी तो जानू ने दिला दिया मुझे, अब वो दिन नहीं आने वाले कि मैं ये क्या कर रहा है ऊपर से कुछ। ऊपर से फ्रेंड देखिए पक्षी था नहीं, लेकिन प्रिया टॉयलेट कर रहा है जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं। तो फ्रेंड अब मैं थोड़ा सा और अपना मेकअप करती हूँ, फिर हेयर स्टाइल करती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड आज पहली बार मैं मेकअप के टाइम पे कंघी यूज की, पहली बार। पहली बार ये जो तू टिकटॉक चलती है जाना की तेरी हाई हील्स की गलती है, हाई हील्स की गलती है। तो फिर अब मैं अपना हेयर स्टाइल बनाने जा रही हूँ, देखते हैं कैसा। और आज मैं बिंदी यूज करने वाली हूँ, ये लगाते हैं, कोई भी लगा लेते हैं, ब्लू ही लगाते हैं क्योंकि मैंने ब्लू आई शेडो लगाया है, इसलिए ब्लू बिंदी भी लगाऊंगी, देखती हूँ कैसे लगती है। तो फ्रेंड्स बस आप लोग देखते रहिए प्रिया का लुक कैसे, इसका लुक चेंज होता है, कैसे चेंज करती है, और जरा शीशा इनका देख लीजिए। मैं फ्रेंड्स आपको पहले ब्लॉग में बताया था प्रिया के पास शीशा नहीं है, प्रिया को शीशा गिफ्ट कर दो रे भाई, अपना एड्रेस बता रहे हैं। वो शीशा नहीं है, वो टूटा हुआ मैंने फेंक दिया, सभी ने बोला टूटा हुआ शीशा नहीं देखा, मैं नया शीशा लेके आया। नया शीशा तो जानू बिंदी लगा कैसी लग रही है बताना। मेरे फ्रेंड्स बताओ बिंदी प्रिया कैसी लग रही है, वाओ ब्यूटीफुल मेरी, ब्यूटीफुल लग रही हो। बाकी और जो फ्रेंड मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, उनके लिए ब्यूटीफुल ही लग रही हो, और क्यों फ्रेंड्स, और किसी का पता नहीं, क्यों जाने और किसी का पता नहीं, आई डोंट नो। अब मैं छोटिया छोटिया बनाऊंगी पता है आपको। तो फ्रेंड्स पता है एक होता ना एक यहाँ छोटी इतनी सारी चोटियाँ गूंथ लो इधर से मैं वही वाला छोटियाँ गूंथने जा रही हूँ, आप लोग देखते रहिए कैसे मैं आज हेयर स्टाइल बना सोच रही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपना चूड़ा जो है पहन रही हूँ, देख लीजिए आप लोग, एक हैंड में मैंने पहन लिया और दूसरे हैंड में पहन रही हूँ। तो देखिए इतने सारे चूड़े होते हैं, कैसे पहनना पड़ता है इतना ज़्यादा, और पूरा हाथ सबसे मस्त लगता है ना चूड़ा में, इंसान का हैंड का लुक ही कुछ चेंज हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी शादी की कुछ यादें हैं, शादी की नहीं करवा चौथ की, पहली बार मैं चूड़ा पहनी थी करवा चौथ में, देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली फ्रेंड मैंने चूड़ा पहन लिया, तो आप लोग देख लीजिए। कैसा लगा आपको हमारा ये लुक।
तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रिया का लुक कैसा लगा। लेकिन ये है कि भाई मैं वीडियो में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि कोई बंदा वीडियो शूट करने वाला नहीं है, सिर्फ मेरा हाथ आप लोग देख सकते हो, सिर्फ मेरा हाथ आ सकता है वीडियो में। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मेरा चप्पल हो। फ्रेंड्स बस ये है कि मैं आ नहीं सकता वीडियो में, थोड़ी प्रॉब्लम कोई फिर क्या ये हो जाऊं तेरे प्यार में फना। तो क्या बताइए आपको ये हमारा फुल लुक कैसा लगा, जरूर दिखाना एक बार लुक मेरा। तो फ्रेंड्स आप प्रिया का फुल लुक देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी ये शॉर्ट्स है, इसको ऐसे पहना जाता, बट मैंने नीचे पैंट इसलिए डाली है क्योंकि आपको पता ही है कि मैं शॉर्ट्स डाल नहीं सकती हूं। फ्रेंड्स कोई टाइम ऐसा आएगा जब हम शॉर्ट भी डालेंगे, लेकिन आपको पता ही है थोड़ा लोग गलत तो कर देते, इसकी वजह से मैंने पहना नहीं, ये वैसे शॉर्ट है। आप लोग देख लीजिए हमारा फुल लुक गिर भी रही है और हम चूड़ा के साथ तो लग रही हूँ कि नहीं मस्त। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेकंड लुक, तो उसको देखिएगा बताइए। ये तो आपने ये ड्रेस तो आपने हमारी देखी ही थी जो कि मैं लेके आई थी बहुत कम दामों में, और अब मैं मतलब कि जो दूसरा ड्रेस है और भी मैंने आपको बहुत सारे ड्रेस दिखे, तो सारा मैं पहन के और हेयर स्टाइल चेंज कर करके दिखाऊंगी। इसे तो मैंने मतलब शादीशुदा पूरा एकदम मस्त वाला उसमें भी रहेगा, लेकिन थोड़ा मॉडर्न लुक रहेगा। तो चलते हैं अब आपको मिलते हैं अपने सेकंड लुक के साथ। सरप्राइज YouTube फैमिली, सरप्राइज। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा प्रिया का आपको ये लुक और ये ड्रेस कैसा लगा, जो कि इतने सस्ते और इतने अच्छे। और फ्रेंड्स मैं आपको चीज दिखाऊं, देखिए बंदा वहां पर कैसे देख रहा है, उधर देखिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड लुक है शॉर्ट ड्रेस में, और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद पहनी हूं ना, इसलिए मैं बहुत। तो फ्रेंड्स प्रिया का पूरा लुक दिखाऊं, देख लो पूरा लुक है। देखिए फ्रेंड्स मैं इतनी भी मतलब वो नहीं करने वाली हूं कि मतलब ऐसे, तो क्योंकि फ्रेंड्स पब्लिक प्लेस है ना, थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कपड़ों में, तो मैंने इसलिए पहना, लेकिन फिर भी हेयर वेयर खुले हैं तो अच्छा लग रहा है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा लुक है और ये हमारी चूड़ियाँ। तो जैसे होता नहीं जो जरा ओला गाना सुनाओ तो बोले चूड़ियाँ बोले कांगना, लेकिन बताओ क्या कोई बंदा वीडियो शूट करना नहीं है, नहीं तो तेरी साथ ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमो दो दो घुमो 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 लो लो लो। तो फ्रेंड्स पता है क्या, काश मैं वीडियो में आ पाता, लेकिन ये कोई बंदा शूट करने वाला वीडियो नहीं है, इसलिए आई एम सो सॉरी सभी को। फ्रेंड्स पीछे जरा व्यू देख, कितना मस्त व्यू आ रहा है पीछे की, मस्त आ रहा है ना जनू। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया हमारा फुल लुक, ये है हमारा लुक और शॉर्ट ड्रेस आप लोग कमेंट करना। फ्रेंड देखिए मैंने शॉर्ट ड्रेस प्रिया को इसलिए मना कर दिया क्योंकि आपको पता ही है पब्लिक प्लेस मतलब कुछ दिक्कत हो जाती है, बंदे स्क्रीन शॉट ले लेकर के ना प्रिया को अपनी बहन समझ करके अपने उसमें लगाते हैं, अपने फोटो डालते हैं, वो करते हैं, लेकिन इसीलिए हमने चलो छोड़ो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करना कैसा लगा आपको हमारा ये लुक, तो आप लोग देख लीजिए ये हमारा लुक है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रिया शॉर्ट ड्रेस पहने की ना। हाँ आप लोग ये भी बताना। तो जानू एक बार जरा फोन सेट करके आप भी आ जाओ मेरे साथ। तो फ्रेंड्स ट्राई करता हूँ, लेट्स ट्राई। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये मेरी जान, जैसे कर दी कमाल। तो फ्रेंड्स फ्रेंड मैं जा चुका हूं, तुमने जो चुन्नी कहां गिरा दी है, तो भाई कमेंट्स में बताना भाई, देखो कोई वीडियो बनाने का था नहीं, कोई था नहीं मतलब कोई नहीं था, तो भाई हमने ना फोन कैसे करके सेट कर दिया है। और फ्रेंड्स सारी बात मैं ये बता दूं, कोई बंदा वीडियो शूट करने वाला होता ना तो भाई हमारा वीडियो मस्त ही मतलब लाजवाब बनता। एक बार तो फ्रेंड्स प्रिया घूमना है तो जा घूम घूम के आओ। गिराऊंगा नहीं, आओ भाई मेरा मतलब है ना इसको पूरा सीधा से गिरा दूं, लेकिन ये कि थोड़ा वो होता है गिरा नहीं पाता हूं, कभी ख्याल नहीं रखते। तो फ्रेंड देखिए भाई प्रिया ना मुझे आप लोग बोलते हो कि रोहन भाई पराग मत आया करो, मतलब कि थोड़ा प्रिया को इतना प्रॉब्लम मत आया करो। फ्रेंड पता क्या मुझे पता क्या होता है कि थोड़ा ना वीडियो शूट करना होता है और दूर से चीजिए प्रिया ना घर के अंदर बोर होती रहती है। पहली बात तो मुझे कोई गलत कमेंट्स मत करना कि रोहन भाई आप लेकर आते हो प्रिया को, भाई मैं लेकर नहीं आता हूँ, ये खुद आती है। तो फ्रेंड जरा मैं उठा कैसे वाला फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा गैस कीजिए, थोड़ा सोचिए कि मैं उठा सकता हूँ नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं ना थोड़ा पतला हो चुका हूँ, प्रिया दिन दिन जा रहा था थोड़ा मोटा मोट तगड़ा था। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ जब इसको उठाऊंगा तो फ्रेंड्स और बताओ क्या इसका ना।
भाई बताओ, इसको मैं छोड़ देने वाला था लेकिन यह कि थोड़ा ना वो हो गया। फ्रेंड देखिए ऐसे उठा ना कैमरा हमारा ऊपर है, अब ये भी नहीं पता हमें कि वीडियो बन रही है या नहीं बन रही, मुझे ये भी नहीं पता। अरे लहंगा चली ना देखो, तो फैन पता क्या मस्त लग रहा है ना, मस्त व्यू आ रही है। तो चलते फ्रेंड आते हैं अपने थर्ड लुक अपने थर्ड लुक के साथ। तो फैन देखते हैं थर्ड लुक जो प्रिया का है वो कैसा होता है, लाजवाब या मस्त कैसा होता है। तो फ्रेंड देखिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, और भी इतने धूप में रारे धूप में फ्रेंड देखते फोन टेम्परेचर हाई भी होता है, और भाई वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है इसका नहीं पता मुझे। तो फ्रेंड देखते थोड़ी देर बाद ब्लैक ड्रेस वाली जरा ना हम तो बता टूर ब्लैक मुर 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 प्लाट 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 नहीं पलटी भाई आप जा के जैसे चश्मा लगा के अरे कि दौड़ कितना आ रही है के आ जाओ। तो फ्रेंड्स ये है प्रिया का थर्ड लुक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये हमारा। तो बताइए फ्रेंड मेरा लुक कैसा लगा आपको। तो भाई अच्छा सिस्टर एक बात बताओ, जितने मेरे सिस्टर देखते हैं वीडियो सबको लुक वाला ही पसंद वीडियो क्यों है, जाओ जाओ पूछो सबसे। फ्रेंड्स आप लोग हमें ये बताइए आपको लुक वाली वीडियो ही क्यों अच्छी लगती है, हम बताते हैं क्यों अच्छी, क्योंकि इसमें थोड़ा मेकअप होता है, थोड़ा सजावट होता है, और थोड़ा सा वो होता है क्या बोलते हैं लुकों को होता है फैशन वैशन होता है, इसीलिए अच्छा लगता है और लड़कियों को। तो फ्रेंड्स बहुत से सिस्टर ना यही बोलती है कि प्रिया का ना ये लुक वाला वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो यही सिर्फ अच्छी क्यों लगती है बताओ। और क्या बोलते हैं कि लुक वाली वीडियो इसीलिए अच्छी लगती है क्यों फ्रेंड्स, बात सही है ना। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वाला एंट्री जो मैंने दिया, और उसके बाद तो फ्रेंड्स प्रिया को मैं इसमें दिखाऊं पूरा फुल लुक देख लीजिए जरा। हमारा फुल लुक है, मेरे बेबी का तो पता ही नहीं चला मेरा बेबी कहाँ गया, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। तो फ्रेंड जरा उनको देख लीजिए अंकल को कैसे देख रहे हैं वहाँ से। अरे तुम उधर क्यों देख रही हो यार, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे देख रहे हैं अंकल वहाँ, तभी से तभी देख रहे लोग कर क्या आ रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग मैन। हाँ कुत्ते जैसा काम न कर, जरा चल कितना तेज दौड़ कितना तेज जाए देख लो। तो फ्रेंड जी अच्छा नहीं दीवाना, बस 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 बहुत बहुत डांस हो गया, बहुत डांस हो गया। तो जाओ फिर से पूछो ना सिस्टर लोगों से इनको मेकअप वाली वीडियो क्यों अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चश्मा उतार दीजिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये मेकअप वाली वीडियो क्यों अच्छी लगती है और लुक वाली वीडियो क्यों अच्छी लगती है, ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा इसमें नया नया होता है मेकअप वकअप होता है, इसलिए आप लोग को अच्छा लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है इसकी वजह से। और तो थोड़ा सा उतरी जाना झूला झूलना झूलना नहीं झूला नहीं झूलना झूला नहीं झूलना कहाँ जा रही हो, ऐसे ही जा रही हूँ आज तो नहीं, अगर आप मेरे साथ वीडियो में तो थोड़ा नहीं यार वीडियो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, आ जाओ प्लीज, क्योंकि फ्रेंड देखिए प्रिया कितनी सद रखी है, मैं कैसा बन रखा हूँ, इसलिए मैं वीडियो में नहीं आ सकता हूँ आज, आ जाओ सिर्फ हाथ दे सकता हूँ, वीडियो में आओ आओ मत छोड़ के जाओ मुझे, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ छोड़ो। फ्रेंड देखिए प्रिया जा रही है नाराज होकर गुस्सा करके, जरा आइए आइए नहीं करना है आपसे। अरे अच्छा आइए 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 हाँ अब हंसी हंसी तो फंसी आइए, हंसी तो फंसी नहीं मैं ऐसे ही मुंह बनाई थी जानू थोड़ा डरा रही थी। अच्छा फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपको हमारा ये वाला लुक कैसा लगा, ऐसा पूरा लुक कैसा लगा। तो फ्रेंड जरा देख लीजिए मैं प्रिया का फिर से पूरा लुक दिखाऊं आपको, ये देख लीजिए प्रिया का पूरा फुल लुक है, ये पूरा फुल लुक है। तो भाई जब जब फिर से पूछ लो ना यही लुक मतलब, हाँ आप लोग ये बताइएगा आपको ये लुक और मेकअप वाला वीडियो क्यों अच्छा लगता है, आप लोग जरूर बताइएगा। अब मुझे मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ जो सिस्टर हैं उनको हाँ, अच्छा लगता है सिर्फ हाँ, सिर्फ सिस्टर को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मुझे पता है गर्ल्स को ये सारे थोड़े टाँव झाँव झाँव ये सब पसंद, क्योंकि मुझे पहले पसंद था ना इसलिए लड़कियों को पसंद है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा लुक आपको अच्छा लगा ही होगा मुझे पता है, तो आप लोग ऐसे कमेंट्स करते रहिएगा प्यारे प्यारे कि हम ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते रहें आप लोगों के लिए और आप लोगों को इंटरटेन कराते रहें। फ्रेंड्स आपने देख ही लिया हमारा थर्ड लुक भी सारा कुछ देख ही लिया, तो मैं भी हुई हूँ बहुत खुश, ऐसे ऐसे रेडी होने को कभी कदार मिलता है, वो भी फ्रेंड्स मिलता भी है सिर्फ आप लोगों को कहने पे। तो फ्रेंड्स हमको ये बोलना चाहेंगे कि आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इतनी मेहनत मैंने की है, इतना सारा चश्मा उश्मा मैंने पहना है, इतनी ज़्यादा धूप में मैं खड़ी हूँ, तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमें 5,000 लाइक इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बस मैं यही कहना चाहूँगी। अगर 5,000 लाइक नहीं आया तो मेरा दिल टूट जाएगा और मैं नाराज़ हो जाऊँगी आप लोगों से, अगर मुझसे आप प्यार करते हो तो 5,000 लाइक फ्रेंड्स 5,000 लाइक कुछ 5,000 लाइक है ना, बहुत छोटी सी बात, हमारे 10,000 लाइक आए हैं फ्रेंड्स, जो पिछला वीडियो था उस पे हमने रखा 4,000 लाइक 4,000 प्लस लाइक आ गया, लेकिन इस वीडियो का टारगेट है
5K लाइक। हाँ 5K लाइक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप हमसे प्यार करते हो तो आप इतना 5K लाइक लाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स प्रिया ना बहुत मेहनत की, ऐसी हालात में ना बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। मेरा बच्चा कितना धूप में तलब रहा है, आप लोग मेरे लिए चश्मा उतार दो बच्चे के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग मतलब वो कर दो, आई मीन लाइक दे दो। चलो कोई बात नहीं, 1000 जानू का 1000 मेरा, 3000 मेरे बच्चे की तरफ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5000 लाइक जल्दी से पूरा करो। तो आज की इस वीडियो को, आज की इस वीडियो को मैं करती हूँ इसी पार्क में एंड, और फिर मिलेंगे आप लोग के कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स जैसे होंगे वैसे से कमेंट्स के साथ, जैसे आप कमेंट करोगे वैसी वीडियो बनाएंगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो बताइए आपको कौन सी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको हमारी कौन सी चाहिए, लुक चाहिए या फिर कुछ भी कोई भी, तो उसके लिए हम जरूर मेहनत करेंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए और अभी के लिए इस धूप में इतना ही, एंड फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, अपने फ्रेंडों वीडियो को सभी को शेयर कर दे, और आप सभी को ढेर सारी किस्से।